चार ओर पानी लागल बढ़ते पाकी बात भल बढ़ते तो पानी कहे लग जाता कहे लग जाता से अब एक और कोने साधन नहीं खे ये कब से चला था समस्या अभी पांच वर्ष से चला था तुम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है कैसे दिक्कत होता है इसलिए दिक्कत पानी लगता है आने जाने में कपड़ा लेटा जाता है बीमारी भी हो जाता है प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा अपने गांव और शहर को साफ सुथरा रखना है जबकि बक्सर जिले के बक्सर ब्लॉक के जगदीशपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में 10 सालों से लगभग 4000 लोग इसी गंदगी में अपने जीवन को बिता रहे हैं क्योंकि यहां पर नाली की निकासी न होने से जल जमाव बना रहता है इसी परेशानी से पूरे गाँव के लोग परेशान हैं समस्या ये है कि पूरा हम लोग आधे गांव का जो पानी नाली का निकल रहा है यहाँ से निकास नहीं हो रहा है निकास हो जाएगा ये टोटल बिहार सरकार का जमीन भी है लोग निकासी नहीं करने दे रहे हैं क्यों नहीं करने दे रहे हैं अब ऐसा मंत्री ऐसा नेता ऐसा कोई अफसर यहाँ नहीं आ रहा है कोई कंप्लेन वैसा करने वाला है नहीं सब लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे अपने पर कोई कुछ लेना नहीं चाहते आप लोगों ने कुछ पहल किया हम लोग बहुत जगह किए मुखिया से भी किए मुखिया भी कुछ नहीं किए बोले कि अब इसके बारे में सोचेंगे करेंगे 10 वर्ष बिता दिए अगला मुखिया जो था वो ये नाली बेचारा बनवाया ये 10 वर्ष में मुखिया भी कुछ नहीं किया मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि इस जगदीशपुर गांव में नाली की निकासी की मुहैया कराई जाए ताकि गाँव को स्वच्छ रहे और लोग बीमारियों से बचे वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94-31-81-84-55 पर कॉल कर मेरी मदद करें ताकि इस जगदीशपुर गांव में नाली की का पानी निकलने का मुहैया कराई जाए मैं ममता जिला बक्सर बिहार इंडिया अनहर्ड के लिए